नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण। और तस्वीरें आप देख रहे हैं शहीद कृष्ण कुमार बांदर जो स्मारक स्थल है तरकावाली में, वहां पर हम पहुंचे हैं। आज 25वां जो कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में, आज के दिन जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि जो शहीद कृष्ण कुमार हैं वो कारगिल में युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे और उनकी जो प्रतिमा गांव में लगाई गई है उस स्थान पर आज तमाम जो गांव के युवा हैं, गांव के जो पूर्व में रहे फौजी हैं और तमाम जो समाज के लोग हैं उन द्वारा उनको याद किया गया है। उस विजय दिवस को आज उसकी याद ताजाएं की गई है। तो हमारे साथ यहाँ कुछ फौजी हैं वो भी जुड़ेंगे और तमाम जो गांव के समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस मामले में क्या कुछ कहेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम सर आपका? मेरा सुविधा नारायण। सर आज ये कार्यक्रम किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? कुछ कहने जा रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। तो आगे सामने सर बता रहे हैं। अच्छा जी, मैं इसके पृष्ठभूमि बता देता हूँ थोड़ा। कारगिल वार की पाकिस्तान ने 99 से पहले 98 में इस पर एक प्लानिंग बना ली थी, जिस पर हमने क्या किया, सीएचएन ग्लेशियर पर कब्जा किया था। उनकी प्लानिंग थी कि वो ऊपर ऊपर की पहाड़ियों पर जाके बैठ जाए, उसके बाद में क्या करेंगे, कारगिल का सीएचएन ग्लेशियर का रास्ता कट जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा कि लेह लद्दाख का भी रास्ता कट जाएगा। ये प्लानिंग थी। ये लगभग हमें पता चला मई के आसपास, 1990 मई के आसपास पता चला कि कुछ विदेशी हैं, कुछ अजीब किस्म के लोग हैं। हमारे मुसलमान भाइयों ने बताया कि वहाँ जो चोटियां हैं उन पर बैठे। फिर अपनी फौज है वो एक्शन में आई। ये आमतौर पर ये होता है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च तक के महीने हैं वो एक किस्म के पहाड़ में बर्फ से ढके होते हैं, उसमें हम नीचे आ जाते हैं और वो भी दूसरी तरफ चले जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसे नहीं हुआ। इसके बाद क्या किया, जाट की यूनिट जिसमें कृष्ण थे वो लगभग 18-19 मई को उस जगह पहुंची है। उनका एक दस्ता या पेट्रोलिंग के लिए, ये पता करने के लिए कि दुश्मन कहाँ है, ऊपर गया था। तो ऊपर जाने से क्या, पेट्रोलिंग ऐसी है कि उस पर फायर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ किस किस जगह है। तो उस पेट्रोलिंग में क्या हुआ है, वो अंबुश होगी, उन्होंने आने दिया। पास आते ही उन्होंने क्या किया, ब्रश फायर मार के सबको, लगभग 25 आदमी थे उनमें एक भी जिंदा नहीं था, सारे मारे गए। इसके बाद में काफी टाइम लगा, हम वहां जा नहीं सके। कोई 3-4-5 महीने के बाद में क्या हुआ, जब बर्फ पिंग लिया तब जाके हमने कब्जा कर लिया, तब जाके। सुविधा साहब, बात करें शहादत की, बात करें, हमेशा ही इस देश को युवाओं ने शहादतें देने का काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आप मान के चलते हैं कि सरकारों ने जो सेना में जवान शहीद हुए या जिन्होंने सरकारी देश की सेवा करी उनकी कम कदर करी है? बिल्कुल, ये कहना पड़ेगा। ये भी नहीं, कई चीजों में किए हैं। फौज को डाउनग्रेड किया है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ऊपर रखा है, हर हाथ में इसे नीचे लाया गया है, हर हाथ में। मैं अगर इन सर्विस होता मैं नहीं कह सकता ये बात, अब मैं एक नागरिक हूं, मैं कह सकता हूं। इसके साथ साथ क्योंकि मैं बहुत पुराना हूं, मैंने 65 की लड़ाई लड़ी है, 71 की लड़ाई लड़ी है। मैं 63 में, आपको बताता हूँ, इलाहाबाद में मास्टर था बीए करने के बाद, ये लड़ाई हुई बस्त की। तो स्कूल में मैं यही स्कूल यही बच्चे मैं खोज में जाएंगे उसके लिए इस्तीफा दिया। मास्टर ने मुझे बहुत कहा कि आपको बीड करवा देंगे ही, आप मत जाओ, पर फिर भी मैं खोज में गया, खोज में नहीं, एजुकेशन नहीं गया। ये है, हम डायरेक्ट हवलदार जाते हैं, इंस्पेक्टर के तौर पर। इसके बाद 65 की लड़ाई है, इसमें 65 की लड़ाई आ गई। 65 की लड़ाई में मैं घर आया हुआ था, मुझे टेलीग्राम मिला, तो टेलीग्राम मिलते ही उसी दिन में दूसरे दिन ही चल पड़ा।
यूनिट में गया, यूनिट वहां से मूव करके खालड़ा। अगर आपको पता हो कि हमारी भी यूनिट 65 में थोड़ा मेरा मतलब गला सूख गया, पानी पानी जोर है, पानी मंगाई। हम वहां 4 तारीख को खालड़ा है, अगर किसी को पता हो, 32 साइड में पाकिस्तान बढ़ती थी, उसके में बिल्कुल गोल रूप हुआ पाकिस्तान के। वहां जाके रात को हमने वहां किया, दूसरे दिन 6 सितंबर को सुबह 4 बजे हमला किया पाकिस्तान के से। फिर वहां पाकिस्तान में हमने 32 तक कब्जा किया है। इसके बाद वही सीज फायर हो गया, वहां रहे 15-20 दिन, 1 महीने से ज्यादा। इसके बाद में ये अपना कास्पियन समझौता हो गया, खुद वापिस आ गए। एक ये साहब जो मामला चलता है, बार बार बयानबाजी होती है कि फौज की जो पेंशन का जो मामला है, मतलब बार बार प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये शुरू करेंगे, ये क्या मामला है? ये जी बड़ा पेचीदा है। फिलहाल तो क्या किया, 2 किस्म के वर्ग हैं फौज में, क्या ना बताना नीचे पर है जी। एक तो क्या है बिलो ऑफिसर रैंक होते हैं, ठीक है जी, और एक है ऊपर वाला रैंक, ठीक है। तो उनके साथ हमेशा ही नीचे वाले रैंक के साथ जो अंग्रेजों ने किया था वही ये कर, सिर्फ रिवाज इसके बाद क्या है वो बदल गए, बाकी कोई सिस्टम नहीं बदला। प्लस हाँ, तो ये बदला नहीं है। अब क्या है, वन रैंक वन पेंसिल जो है ना मुद्दा है। इन्होंने अफसरों ने क्या किया, अब क्या किया हर एक अफसर की, क्योंकि 3% एनुअल इंक्रीमेंट है, ठीक है जी। जैसे 5 साल पिछली बार 5 साल को मतलब है ये वन रैंक वन पेंशन दिया गया, 5 साल के बाद में दोबारा एडजस्टमेंट होगा। सील में क्या हुआ, 15% है हर एक की सैलरी इंक्रीज होगी, तो 7.5% तो कम से कम मिलेगा, नहीं मिलता किसी को, सील को सबको मिलता है, फौजी किसी को नहीं मिलता। ये अभी भी होगा, अभी मतलब आने वाला है, ये 1 जुलाई से लागू होना था, अभी तो होगा। हमारे साथ हम जो देश की सेवा करने वाले फौजी हैं वो भी जुड़ेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम सर? मैं सुंदर जगदीश सुंदर। सुंदर जी, आज 25 वर्ष हो गए हैं कारगिल दिवस को, विजय दिवस मनाया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है कि इस 25 साल में धीरे धीरे बहुत सी चीजें सामने से निकल के आई है कि इन 25 सालों में हमने क्या खोया है, क्या पाया है। जैसे सुंदर साहब ने बताया था कि आर्मी कोई जॉब करने का या कोई रोजी रोटी का धंधा नहीं है, एक जुनून है। इसी तरह हमें इकोनॉमिक्स सुधार साहब है, मैंने 78 में बीए किया था हिसाब से, तो उस टाइम सिविल में बहुत सी जॉब थी और इससे भी बेटर थी, लेकिन एक जुनून था कि हमने आर्मी में जाना ही है। जिस तरह आप लोगों ने देखा कि जिस तरह कारगिल वार हुआ, तो वहां पर क्या हुआ, शुरू के अंदर हमारी आर्मी को ये सूचनाएं मिली कि भाई वहां जिहादी आकर बैठे हैं, किसी ने कहा कि तालिबानी आकर बैठे हैं, लेकिन हमारी कुछ पेट्रोलिंग पार्टी जैसे 18 कैनेडियर 17 जाट उनकी पार्टियां गई, तो हमारे एक जो जवान शहीद हुए तब नीचे यही सूचना मिली थी कि आपस में पेट्रोलिंग हो सकता क्रैश हो गई हो, लेकिन बाद में जब 18 कैनेडियर की एक जो घातक ब्लॉक के नाम से उन्होंने एक बनाई हुई थी सेक्शन, वो जब गई ऊपर है और उसके जो आप लोगों ने बहुत सा सुना होगा वीडियो देखे हुए, योगेंद्र सिंह यादव है जो परमवीर चक्र विजेता, जब वो बिल्कुल उस पोस्ट के नजदीक पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां तो कैमोफ्लाइज नेट लगे हुए हैं, लंगर चल रहा है, वेपन्स डिप्लाई किए हुए हैं, तो उस जवान ने जिसका एक दाहिना हाथ और दोनों पैर मतलब बिल्कुल क्षतिग्रस्त होने के बावजूद क्रॉलिंग करते हुए कैसे भी आके अपने कमांडिंग अफसर को बताया कि साहब वहां की सिचुएशन ये है, तब आर्मी को पता चला कि वाकई में ये किसी जिहादी या तालिबानी का काम नहीं है, ये तो पाकिस्तानी आर्मी है। उसके बाद हमारी इंडियन आर्मी ने पूरी अपनी तैयारी के साथ, और जैसा आप लोगों ने सामने देखा होगा कि 26 जुलाई को टॉप के ऊपर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा के और विजय पताका फहराई थी, और उन सभी जवानों को जो 537 जवान जो हमारे साथी थे, हमारे साथ रहते थे, वापस लौट के नहीं आए। मैं 98 में आ गया था, तो लेकिन जस्ट 98 में मैं लास्ट में आया था और 99 में शुरू हो गया था, तो उन जवानों की यादें तो उसी टाइम क्या अभी भी ताजा है, तो उनको हमेशा मैं सो सलूट
धन्यवाद। आपका नाम? मैं फ्लाइट ट्रेवल सुखबीर सिंह हूँ, मैं इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हूँ। मैं इनसे मतलब ये तो कह रहे थे, मेरे काफी सीनियर है, मैं 82 में मरती हूँ। एयरफोर्स का भी बड़ा योगदान, एयरफोर्स में देखो योगदान है तो एयरफोर्स ने भी किया। आजकल के जो युद्ध हो गए ना, इनमें तीनों सेनाओं का एक साथ रहना पड़ता है। और जैसे चाचा जी ने बताया ना, पहले जो कारगिल है वो जो चोटी पे बैठे थे ना, वो तो ऊपर बैठा है, आप नीचे से जा रहे हो तो ऊपर वाला आपको गोली कभी भी मार देगा, आपको बचाव करना है और ऊपर भी चढ़ना है। पर आजकल ये पहले वाली चीजों से बहुत कुछ चेंज हो गया है। आजकल तो मिजाइल हो गई, रॉकेट हो गए, हेलीकॉप्टर आ गए, एयरक्राफ्ट में ऐसी ऐसी मिजाइल है, तो पैदल जाने की इतनी जरूरत नहीं है। ये तो जो कारगिल युद्ध में तो बोफोर्स हीरो थी, तो ज्यादातर लड़ाई हमारी बोफोर्स तोप से ही लड़ी गई है। आजकल तो क्या है, एयरक्राफ्ट भी इतने इतने अच्छे आए हैं सारे, पूछ के क्या बताने हैं। ये जो S-400 जो आई है, पूरी पूरी एक बटालियन टाइप होती है, जो एंटी एयरक्राफ्ट मिजाइल है, उन मिजाइल है, सब कुछ है। तो पहले की टेक्निकल, आजकल जो हथियार भी दिए गए लेटेस्ट है, ये फौज को पहले दिए गए। पहले वाले फौज हथियारों में राजवाड़ों में बहुत अंतर है। पर ये जो रियली जो हुआ था कारगिल वाला, वो तो दुर्घटना है। पर जो आजकल अभी ऐसी वाली बात नहीं रही है, जो पहाड़ी पे कोई बैठे कोई कुछ है। आजकल निगरानी तो हर जगह हो रही है, पहले इतनी तकनीक नहीं थी। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं कैप्टन दयाराम और जाट से रिटायर हूँ, और मैंने भी कारगिल युद्ध के अंदर भाग लिया है। मतलब जहाँ कारगिल युद्ध हुआ था, तो जो एक कारगिल के अंदर फौज डिप्लॉय थी, उसमें मेरी भी एक यूनिट थी जो पाकसर के अंदर डिप्लॉय थी, और मेरी भी एक पोस्ट पे लड़ाई लड़ी गई थी बजरंग पोस्ट के नाम से। मतलब ये है कि कारगिल का जो वार हुआ था, वो एक धोखेबाजी वाला वार था। जो लड़ाई थी एक धोखेबाजी वाली थी। पाकिस्तान ने हमारे साथ काफी बड़ा धोखा किया इस चीज में। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि फरवरी 99 के अंदर लाहौर समझौता होता है, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी वहां जाते हैं पाकिस्तान में, वहां एक समझौता होता है। उस समझौते की आड़ में पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, और उसको उन्होंने जल्दी, मतलब फरवरी में यह समझौता हुआ था और मई के अंदर इसको उन्होंने अपना अप्लाई कर दिया कि हम कितने धोखेबाज आदमी है। कहने को तो लड़ाई कारगिल की जो लड़ाई है, 3-4 मई का बताते हैं कि 3-4 मई 99 को लड़ाई शुरू हो गई थी, लेकिन ये लड़ाई एक्चुअल जब जोर पकड़ती है और एक्चुअल लड़ाई का रूप धारण होता है तकरीबन 15 मई के बाद, जब ये फोर जाट की एक टुकड़ी जिसमें कैप्टन सौरभ कालिया और 5 साथी, आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा भी होगा उनके बारे में, कैप्टन सौरभ कालिया और 5 साथी 5 सैनिक उनके साथ जाते हैं हमारी बजरंग पोस्ट की टो लेने के लिए। यानी कि जब विंटर के अंदर चौकियां खाली हो जाती है, तो जब आगे बर्फ हटनी शुरू होती है, तो उन चौकियों पे दोबारा से जाके बैठा जाता है। तो दोनों तरफ की चौकियां खाली होती थी, वो तो वहां पर जाने से पहले कुछ रेकी पेट्रोलें भेजी जाते हैं, कुछ दस्ते भेजे जाते हैं कि जाओ अपनी जगह पे देख के आओ कि वहां से बर्फ हट गई है, सब ठीक ठाक है। तो जब सौरभ कालिया और 5 सैनिक उनके साथ में वहां गए थे बजरंग पोस्ट पे, तो दुश्मन क्या है, उस इलाके में पहले से डिप्लॉय था, उस पोस्ट की जगह को छोड़ के बाकी इलाके में बैठा हुआ था। और जैसे ही ये सैनिक ऊपर पहुंचते हैं, तो पहुंचने के बाद में नजदीक जाते हैं अपनी चौकी के, तो इनको चारों तरफ से घेर के इनको फायरिंग किया जाता है, और फायरिंग में ये भी फायरिंग करते हैं, लास्ट में इनका अम्बिनेशन खत्म होना और दुश्मन का भारी तादाद में होना, ईस्ट पक्ष का थोड़ा होना, इनको जिंदा या मुर्दा फिर कैद कर लिया जाता है वहां पे। और जब अगले दिन स्कर्दू रेडियो है, जो पाकिस्तान का स्कर्दू स्टेशन है, उस पे ये उनके द्वारा खबर दी जाती है कि भारतीय सेना के एक ऑफिसर और 5 सैनिक हमने पकड़ लिए हैं, या हमने शहादत दे दी है, उनको मार दिया है। तब से ये लड़ाई जोर पकड़ती है 15 मई के बाद में। मैं उस लड़ाई में शामिल था, मेरी यूनिट 99 जून 98 में गई थी वहां पे, और हम दिसंबर 2000 में वहां से वापिस आए हैं, बीच में थे। देखो मतलब काफी बड़े इलाके में ये लड़ाई लड़ी गई, बहुत सी भारतीय सेना की रेजिमेंटों ने इसमें भाग लिया। तो जाट रेजिमेंट भी एक ऐसी रेजिमेंट है जो भारतीय सेना की बहुत पुरानी और बहादुर रेजिमेंट है। इस रेजिमेंट की 4 जाट, 8 जाट, 12 जाट और 17 जाट ने इस लड़ाई में भाग लिया। 18 जाट इस लड़ाई में रिजर्व थी, 4 जाट वहीं पे थी, 8 जाट, 12 जाट, 17 जाट इनको कहीं दूसरी जगह डिप्लॉय थे, और उसे वहां से हटा के इस इलाके में लड़ाई की जगह में लगाया गया। लड़ाई में थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखा जाता है कि उस एरिया के बारे में जानकार हो, फिजिकल जिस रेजिमेंट का फिजिकल ज्यादा तकड़ा होगा, जो लड़ाकू मतलब लड़ाई के समय में ज्यादा हौसला रखते होंगे, उनको इस टाइप के टास्क दिए जाते हैं।
तो इसमें फिर 17 जाट को भी नौगांव में थी, 17 जाट को नौगांव से और कारगिल के अंदर इस लड़ाई में लगाया गया। ये तकरीबन 24-25 मई की बात है, मैस्को वैली के अंदर, मैस्को गांव है, मैस्को गांव के अंदर 25 मई को 17 जाट पहुंच गई थी। वहां को वहां जाने के बाद में इनको अपना टारगेट दिखा दिया गया था कि आपको ये आगे हाइट है 4540 उस हाइट के ऊपर आपको कब्जा करना है। ये हाइट पर कब्जा करने से क्या है, जो अपने जम्मू से कारगिल होता हुआ श्रीनगर के लिए, श्रीनगर कारगिल और द्राज के लिए जो आगे ऊपर ले के लिए रोड जा रहा था नेशनल हाईवे, उस पर पाकिस्तान ऊपर बैठ के उस पॉइंट पे और उस रोड को रोके हुए था, तब ये 17 जाट को टास्क दिया था। 17 जाट ने अपना इस टास्क को बेखूबी निभाया था। इसकी एक कंपनी को मतलब ये टास्क दिया, जिसमें हमारा ये सिपाही शहीद कृष्ण है, कृष्ण भी उस पार्टी में शामिल था। इनको 29 तारीख को टास्क दिया, 29 मई को ये गए हैं, इन्होंने जाके अपना चढ़ाई शुरू की। चढ़ाई के बाद में जब ये आमने सामने पहुंच जाते हैं, तकरीबन ये 30 मई सुबह के टाइम की बात है, जब नजदीक पहुंच जाते हैं, इतना लगा लो कि आप 100 मीटर यानी 1.5-2 किलो किला अपने भाषा में बोलते हैं, 100 मीटर का फर्क था, तब इनको आमने सामने दुश्मन दिखाई दिया है। और कृष्ण लीडिंग प्लाटून बोलते हैं, लीडिंग सेक्शन बोलते हैं, जो सबसे आगे 10 आदमी चलते हैं, उनमें पहले दूसरे नंबर पे चलने वाला आदमी था। तो इन्होंने जब पहले दो आदमियों ने आगे का इलाका देखा कि आगे दुश्मन की हरकत है, दुश्मन बैठा हुआ है, अपनी पार्टी को सचेत किया, वहां से फायरिंग करके आगे वाले 2-3 जो बैंकर थे, पोस्टें थी उनकी दुश्मन की, उनको इन्होंने डिस्ट्रॉय करवाया। फिर आमने सामने की गुत्थम गुत्था किया, फायरिंग की लड़ाई शुरू होगी, जिसमें कृष्ण शहीद को भी गोलियां लगी और इसके 5 साथी और थे, जो इनका पार्टी कमांडर था सूबेदार साहब, वो और 4 साथी और, मतलब टोटल ये 6 बंदे उस पेट्रोलिंग में उस टास्क पे उस पॉइंट पे कब्जा करने के लिए शहीद हुए थे। और इनकी शहादत ऐसी रही कि ये अपना ऐसा मतलब जुनून था और ऐसी लड़ाई लड़ी, इनकी वजह से, इनकी शहादत की वजह से उस टॉप के ऊपर कब्जा किया गया और वो जो हमारा नेशनल हाईवे था उसको स्वतंत्र करवाया गया, दुश्मन को वहां से मार भगाया, ताकि हमारे आने जाने वाले ट्रुप्स या किसी गाड़ियों पे किसी भी प्रकार का कोई फायरिंग ना हो सके। और इस लड़ाई के उपरांत इनकी शहादत को, इनके जुनून को देखते हुए भारतीय सेना ने इनको अलग अलग अवार्डों से नवाजा। शहीद कृष्ण को भी मेंशनड इन डिस्पैच, यानी कि बड़े बड़े जो हमारे अधिकारी होते हैं उन द्वारा किसी लड़ने वाली सैनिक की, चाहे वो शहीद हो या जिंदा, उसकी वीरता का जब उल्लेख किया जाता है कि हाँ, मान लो कि बड़ा अधिकारी बोले कि हाँ फलाने आदमी ने लड़ाई के अंदर बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छे मतलब हौसले के साथ लड़ा, उसने कई दुश्मनों को मार गिराया, उसमें से हमारा ये सिपाही शहीद जो कृष्ण है, जो शहादत को प्राप्त हुआ, उसने ये काम किया था, वीरता हासिल की थी और बहुत ही ज्यादा जुनून वाला काम किया था, उस पर इनको मेंशन इन डिस्पैच का अवार्ड भी मिला है। धन्यवाद। ये तमाम तस्वीरें उस बात की गवाह हैं कि किस तरह का युद्ध कारगिल में लड़ा गया और भारतीय सेना ने उस युद्ध को जीता था। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा सहयोगी दोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।